This video is all about a difference between FZ and R15. Youngsters के बीच में काफ़ी ज़्यादा popular है Yamaha brand और इस popularity को काफ़ी ज़्यादा hike up दिया है FZ और R15 ने। तो इस video की detailing में जाते हैं और देखते हैं कि ज़्यादा budget के हिसाब से हमें R15 prefer करना चाहिए या एक medium budget के हिसाब से FZS या FZ will be the good option। Yamaha FZ या FZS and R15 के color option से शुरू करते हैं। तो color option के बारे में अगर बात किया जाए तो FZ आपको total 5 color option provide करता है, जिसमें plain FZ जो है वो आपको दो color option में देखने को मिलेगा, and that is metric black and racing blue। एंड अगर आप FZS के तरफ आते हैं तो तीन कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, डार्क मैट ब्लू, मैट ब्लैक, ग्रे एंड साइन ब्लू। ये FZS का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको तीनों मैट फिनिश कलर मिलेगा, और मैट कलर का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ ये रहता है कि कभी भी डस्ट उस पर बैठता है तो उतना ज़्यादा उस कलर पर वो हावी नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ अगर यामाहा R15 के बारे में बात किया जाए तो ये आपको तीन कलर ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें रेसिंग ब्लू और थंडर ग्रे पहले से लॉन्च हो चुका था, और रिसेंटली लॉन्चिंग में डार्क नाइट कलर के नाम से मैट ब्लैक कलर यामाहा R15 ने निकाला है, जो आपको ABS के साथ देखने को मिलेगा। ये दोनों में डिफरेंस आप क्लियरली तब समझ पाएंगे जब इसके रेट के बारे में आप कंपेयर करें, एंड स्पेशली सेटिंग गेस्चर, एवरेज और हर प्रोस्पेक्टिव जो एक बाइक को कंप्लीशन लुक के साथ साथ आपके पर्सनल प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाए। सो लेट्स गो फॉर दैट। सेटिंग गेस्चर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बाइक, और यामाहा FZ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सिटिंग आपको प्रोवाइड करता है, पर उसके कम पावर और कम टॉर्क की वजह से वो उसका ड्रॉबैक हो जाता है। इसीलिए MT-15 यामाहा ने लॉन्च करने का फैसला सुनाया है, जो यामाहा R15 का नेकेड वर्जन है। मैं कुछ दिनों में इसके वीडियो डालने वाला हूँ, सो सब्सक्राइब ज़रूर करें आप इस चैनल को, सो दैट यू विल बी इन टच। अब बात करते हैं ओवरऑल डिटेलिंग की। ओवरऑल डिटेलिंग के बारे में बात किया जाए तो शुरुआत सबसे पहले प्राइस के साथ होती है। यामाहा R15 आपको दो मॉडल ऑप्शन में देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड एंड ABS। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो वो आपको एक शोरूम प्राइस 1,27,000 का रहेगा, और अगर आप विथ ABS लेते हैं तो वो बढ़ के 1,39,000 एक शोरूम प्राइस में आपको मिलेगा। वहीं हम FZ या FZS के बारे में बात की जाए तो एक ऑप्शन है स्टैंडर्ड, जिसमें आपको ABS प्रोवाइड होता है, और FZ आपको 95,000 का मिलेगा और FZS 97,000 का। इंजन के तरफ अगर देखें तो यामाहा R15 155 cc इंजन का है, वहीं FZ 149 cc का है, पर अगर पावर के कंपैरिजन में देखें तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज 19.3 PS पावर यामाहा R15 प्रोवाइड करता है और FZ मात्र 13.2 PS पावर प्रोवाइड करता है। तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, और यहाँ पर FZ काफ़ी पीछे हो जाता है। सेम एज इट इज़ टॉर्क में भी हमें देखने को मिलता है, 15 Nm टॉर्क आपका यामाहा R15 का है और 12.8 Nm टॉर्क FZ का है। सो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द पावर एंड टॉर्क, जिसके कारण FZ थोड़ा सा पीछे हो जाता है। पर अगर प्राइस के बारे में बात किया जाए तो प्राइस के कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से FZ काफ़ी बेहतर है, पर अगर आप इंजन ऑप्शन में देखते हैं देन यामाहा R15 इज़ द किंग।